जल्दी लेके आ पानी भर के दोनों में भाग आप उधर आ जाओ होते थे देखो उधर से वहाँ बैठ के रिकॉर्ड करो खाली हम लोग नमाज पढ़ते हो मेरे वालिदा की अभी तक नमाज जनाजा नहीं हुई ये सुरैया बेगम मेरे वालिद का नाम मसूद और मैं उनका बेटा ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आया हूँ क्योंकि सारे रिश्तेदार काफिर मुर्तिद हो गए और उनके साथ मैं नमाज जनाजा मेरी वालदा की नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि उनकी नमाज जनाजा कबूल होने वाली नहीं थी मेरी वालदा के हक़ में इसीलिए मैं अब आया हूँ अल्लाह के हुक्म से सारे मोमिन को साथ लेके बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर तुम मानते हो कि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ कोई डाउट तुम मानते हो जोर से बोलो मानते मानते बेटा बोलो अल्लाह अकबर बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर दुनिया में इस वक्त कुल मोमिनीन इत्तेश है समझे इसमें कुल चार चंद मर्द बच्चे थोड़े से और ये हम और भी हैं दूर लेकिन एकदम क्लोज जो है यही है तो अल्लाह ताला कबूल करे हमारी वालदा के लिए ये ईसा इब्ने मरियम यानी ईसा इब्ने मरियम ने मरियम अलैहिस्सलाम का रीइंकारनेशन है नए जिस्म के साथ पैदा हुए हैं पहले इसराइल में पैदा हुए थे अब यहाँ पर यही फैक्ट है और इनका माता अनुसुईया के नाम से जिक्र आया है जो तीन को एक हो जाएंगे तीन भाई जाके एक हो जाएंगे बताया ना तुम्हें प्रोफेसी दत्तात्रेय की तो इन ये एग्जैक्टली 10 तारीख मार्च को इंतकाल हुआ और सुनो 8:20 को हार्ट बीट ज़ीरो हो गई ब्रीद ज़ीरो हो गई ऑक्सीजन ज़ीरो पूरा मीटर ज़ीरो सब आके क्या करें लास्ट जो अटेम्प्ट करते कर लिए उसी के साथ साथ में बाजू एक दूसरी औरत भी मरती है चिस्तम्मा बोल के हाँ इधर ध्यान दो पूरे जो उधर भी कोशिश इधर भी कोशिश लेकिन वहाँ कोई दुआ करने वाला नहीं यहाँ दुआ करने वाला मसीहा है गिड़गिड़ा के थोड़ी देर के बाद जिंदा हो जाती है माँ हार्ट बीट फिर से नॉर्मल शुरू हो जाती है फिर एकदम अचंभा डॉक्टर्स परेशान पूरे लोगों में एक अफरा तफरी मच गई क्योंकि पुलिस वाले ये समझ गए थे कि मैं तोड़फोड़ कर दूंगा सबका बर्बाद कर दूंगा लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था लेकिन अल्लाह की मंजूरी था एक लीला था पूरे पुलिस फोर्स आके टास्क फोर्स सब थोड़े ठहरे हुए चारों तरफ डॉक्टर ठहरे करे हुए उल्टा सब लोग मेरी तारीफ करे तो मेरी वालिदा का मौजूदा हुआ अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए उसके बाद दूध पिए एंड इंश्योर मिला के मैं पिलाया उससे जिस कंडीशन में पहले थे वही कंडीशन में आए उठते ही बात नहीं करे कुछ नहीं जैसे पहले थे सेम कंडीशन में आ गए और भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहा 11:45 तक नहीं मैं समझता हूँ 11:30 तक रहा 15 मिनट के बाद हमारा भाई आने के बाद शैतान पूरा काम बिगाड़ दे के कंट्रोल सिस्टम करने नहीं दिया बदतमीजी करा जिसकी वजह से डॉक्टर्स हट गए जिसकी तरफ से डॉक्टर्स हट जाने की वजह से नेगलिजेंस की वजह से डेथ हुई ठीक है उसके बाद ठहरो अल्लाह के रसूल से याद आगे मत बढ़ो इधर आओ तीन सब बनाने का है देखो तेजी ना वहाँ बैठ के ही रिकॉर्ड करना और देखते रहना ये बात करी कि इधर सामने का शटर गिर गया था ठीक है हेलो बेटे इधर आओ लाइन बच्चा पीछे जाओ अजीम इधर आ जाओ खबर ये हो जो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है यही खबर होना चाहिए इंशाल्लाह लेकिन नमाज जनाजा मेरी वालदा सुरैया बेगम के लिए है सुरैया खान के लिए सुने जो जोजा है मसूद अहमद मरहूम की और मैं उनका बेटा तो मेरे यहाँ पर ठहर के पढ़ सकते वैसे कहीं और से भी पढ़ सकते लेकिन यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा अफजल है इसलिए अब यहाँ पर कोई काफिर ही नहीं है हमारे बीच माशाल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह ज़ोर से बोला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर उसको मारो धप्पा दो एक उसको सर पे दो जोर से बोल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर एक मिनट आप नकाब उठाने की इजाज़त है आपको एक मिनट के लिए
बोलो सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ठीक है ठीक है चलो सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्लाह एक है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह हम सच्चे मुसलमान हैं हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनकी होने वाली बातों पर ईमान लाए और हमने तस्दीक की है ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम की जो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान हैं और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसकी जमात अहमदिया है ये बात हम मानते हैं तहक़ीक़ करे हैं क़ुरान हदीस की बिना पर और इस तहक़ीक़ करके जो भी ईमान ना लाए वो भी काफिर तहक़ीक़ करके जो ईमान ना लाए वो मुर्तिद और काफिर और मुनाफिक यानी हाइपोक्राइट अल्लाहु अकबर तो हम मेरी वालिदा मुझ पर ईमान लाई हैं मर्ज़ी मेरी चलती अम्मी के तदफीन वहाँ पर करने का है कहाँ भोंगिर में मेरे स्पॉट पे मैं लेकर गया था लेकिन मुझे मालूम था धोखे से चाल चल के लाएंगे ये लोग सारे ख़ानदान वाले मुझे मुर्तिद काफिर समझ रहे हैं बेखौफ समझ रहे हैं लेकिन ये सब जाहिलून हैं क्योंकि दुनियादारी में फंसे हुए हैं मामा अपना स्टेटस बचाने के वास्ते बदनाम हो जाएंगे नहीं तो पूरे ख़ानदान में सब करें मिला ठीक है ढील मैं पूरे बच्चों को लेके निकल गया जो फ़र्ज़ करना था मैं कराऊँ आखिरी दिन तक ठीक है अगर आपको देखो वाकई में ईमान लाए क्या नहीं क्या नाम है तुम्हारा पूरा शेख अहमद अली तुम्हारा शेख अली अहमद अली तुम्हारा शेख अमीर अहमद अली तुम्हारा अज़ीम अहमद सच है या झूठ चलो अब हम तीन रकत बनाएंगे सॉरी हाँ तीन सफ बनाएंगे मैं इमामत करूँगा खड़े रह के नमाज़ पढ़ना पड़ता है ठीक है पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत ये करूँगा मैं कि मैं मेरे वालिदा जो मरहूम हैं उनके लिए नमाज़ जनाजा पढ़ रहा हूँ ठीक है फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के सुबह सना पढ़ा जाएगा फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के ए इधर आ बच्चों सना के साथ जो है वो भी पढ़ ले सकते हैं सूरह फातिहा भी फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा दूसरी बार फिर अल्लाहु अकबर बोल के दुआ की जाती है जो मैयत के लिए होती है ठीक है अल्लाह उनको बख्शिश हो और दुआ क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूँ देव कहाँ है ताकि आप लोगों को भी मालूम होना क्योंकि ये ज़ोर से नहीं पढ़ी जाएंगी दुआ ओके आज तारीख 12 मार्च 2015 है अब तक मेरी वालदा की नमाज जनाजा नहीं हुई वो लोग जो आगे नमाज जनाजा पढ़े हैं उनकी नाकबूल है क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मौजूद हूँ और मेरी तकजीब की गई है हर तरफ खुद मेरे भाई मेरे खिलाफ़ हैं और मानते हैं लेकिन फिर भी खिलाफ बदतमीज़ मुर्तिद करार देकर उनको हटा दिया गया है ठीक है इसीलिए इस नमाज में इस मोमिनों के बीच में हम काफिरों को नहीं ला सकते थे यही बातचीत नहीं करना मोमिनों के बीच में हम काफिरों को नहीं ला सकते मुनाफिकीन है वो लोग ठीक है औरतों का आना मना चेक करना फिर भी मैं इजाज़त दिया हूँ वक्तिया तौर पर क्योंकि औरत को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता बाहर बेहतर है कि मैं है यहाँ पर लाओ बैठो आप रिकॉर्ड कर लो ये हमारी नमाज लो मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या है उदय बुक जरा पकड़ो बेटा एक मिनट वो शटर गिरने में ऐसे रखो इधर रखो नीचे हाँ वैसे रखो ऐसे रखो ऐसे देखते रहो कैसे दिख रहे हैं हम लोग पीछे जाओ उधर आराम से मैं पढ़ के सुनाऊँगा ये क्या है दुआ क्या है उसका तर्जुमा भी सुन लो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعا یہ ہے جو پڑھتے ہیں خاص پہلے سبحانہ پڑھا جائے گا پھر سورہ فاتحہ پھر اللہ اکبر کہہ کے درود پڑھا جائے گا پھر اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھی جائیں گے دعا کے کا ترجمہ سن لو اے ہمارے اللہ مغفرت فرما ہم میں سے ہر زندہ اور مردہ کی ہر حاضر اور غائب کی ہر چھوٹے اور بڑے کی और हर नर और मादे की यानी लेडीज़ और जेंट्स की बेशक तू ही हमारे घर और ठिकानों को जानता है तू ही हर चीज़ पर कुदरत वाला है ऐ हमारे अल्लाह हम में से तू जिस किसी को ज़िंदा रखे तो इस
کو اسلام اور سنت کی پیروی پر زندہ رکھ اور اگر وفات دے تو ان ہی دونوں پر وفات دے ہاں اے ہمارے اللہ تو اس کی مغفرت کر اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر اور اسے معاف کر دے اور اس کا اچھا ٹھکانہ بنا اور اس کی خبر کو بڑی بنا دے وسیع کر دے اور اس سے گناہوں کو پانی اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے گناہوں اور غلطیوں سے اس کو اس سے اس قدر صاف کر دے جس قدر کے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے اس کے اپنے گھر اور بیوی سے عمدہ یعنی اس کے اپنے گھر اور شوہر سے عمدہ گھر اور شوہر عطا فرما اس کو جنت کی سعادت عطا فرما خبر اور دوزخ کے عذاب سے اس کو نجات دے پھر اس کی خبر کو کشادہ فرما اور اس کو نور سے بھر دے آمین آمین اذان ہو رہی دیکھو دیکھ رہے ہیں میں دعا کمپلیٹ کر رہا ہوں اذان آٹومیٹک ہو رہی یہ بھی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے غور کرو دیکھو اٹھاؤ ہو رہی اذان یعنی اللہ نے قبول کی خالی پڑھنے پہ قبول کیا ہے بولو آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں دعا کمپلیٹ کرتا ہوں نور سے بھر دے اینڈ کرتے ہی اذان ہوتی ہے کیونکہ ایسا ہی سین تم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کئی بار کوئی بھی ایک واقعہ اینڈ ہوتا ہی اذان ہوتی ہے یاد ہے جب گیس سے نکل کے جا رہے تھے اسی پوائنٹ پہ وہیں پر اذان کہ اسی پوائنٹ پہ وہی جگہ پہ میں وہی بات دہرا رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا میری کوئی میموری فاسٹ ہے کوئی بات نہیں یاد چلو میں اب یہ پکڑوں ذرا ایک منٹ اللہ کریم اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا لو اب آپ یہ ریکارڈ کرتے رہیے میں سب بنا رہا ہوں وہاں پہ چلو ان شاء اللہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ہمیں آگے کی خبر بھی جو بھی مدفون ہوئے ہیں سب کے لیے ہے دعا السلام علیکم یا احیاء حضور اللہ اکبر اللہم صلی اللہ چلتا چلو پانی سب پڑوسیوں کے لیے ہیلو ہمارے جاؤ جی ادھر جاؤ فاد بیٹا ادھر آؤ پچھڑ رہا چلو ادھر چلو جلدی ٹھیک ہے نا ادھر ٹھہر جاؤ بیٹا پورے آپ ادھر آ جاؤ نہیں صحیح آ رہا شٹر آ گیا سامنے اس کے اوپر دیکھتے رہو نماز میں امامت کروں گا اللہ ہو کے جواب سنیں اللہ ہو کے جواب آئے تو ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اکبر Thank you.
फिर से उन्हें ज़िंदा किया 3 घंटे के लिए और फिर से उनका इंतकाल हुआ है। मेरे अल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पहला मौजूदा है, इतना बड़ा। और बारिशें दी हैं आपने, मेरी वालदा भी गवाह हैं और सारे लोग, सारे फरिश्ते आपके गवाह हैं, सारे मोमिन गवाह हैं जो ईमान लाए हैं मुझ पर। अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर परवरदिगार, और हमारे रिश्तेदारों को जिन्होंने मेरे साथ तकज़ीब की है, बदतमीज़ी की है, तौहीन की है, उन सबको हिदायत कर। अल्लाह मैं नहीं चाहता कि कोई भी उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्बाद हो। ऐ अल्लाह सारे जहाँ के मुसलमानों को, मोमिनों को, अहले किताबियों को हिदायत कर दे परवरदिगार। मेरे वालदा जितनी मेरे साथ मेहनत की है, मेरे अल्लाह लोग कहते हैं कि अब कौन है तुझे संभालने वाला, वालदा तो चले गए। मेरे अल्लाह तू है 70 माओ की मोहब्बत करने वाला, 70 माओ से ज़्यादा। अल्लाह तू काफ़ी है, या शाफ़ी या काफ़ी। अल्लाहल मेरे अल्लाह तू ही कर मेरी मदद हर तरफ से। मेरे अल्लाह मेरी वालदे वालदेन के दुआएं कबूल फरमा, मेरे हक में, मेरे आल औलाद के हक में। और अल्लाह सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल फरमा, मेरे हक में, मेरे आल औलाद के हक में। और जो मुझ पर ईमान लाए उनके वास्ते, मेरे अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं शैतानी वसवसों से, शैतानों के करीब आने से भी, और हर बुरे अच्छे लोगों पर, मुसलमानों पर, काफिरों पर, मुनाफिकों पर, सारे जहाँ पर हम आपके हुक्म से गलबा चाहते हैं अल्लाह, ताकि इस्लामी शरीयत सारे जहाँ पर कायम हो। अल्लाह बेशक आपके वादे सच्चे हैं, मैं आपका ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, और ख़सम है आपकी, आप ही ने गवाही दी, आप ही कर दिखाएं सारे निशान। मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल करिए मेरे परवरदिगार। या अल्लाह इन हवाओं के साथ आपने खुशी अता की परवरदिगार, आपने मेरी वालदा के लिए दुआ किया तो बारिश के छीटे अता की। अल्लाह जब मेरे घर पर गई, अगर आपसे परवरदिगार में दुआ कर रहा हूँ बारिश के लिए, चंद छिटे देकर परवरदिगार या ज़्यादा देकर मेरी वालदा को सुकून अता कर मेरे अल्लाह। और साथ में इतने जितने हैं परवरदिगार यहाँ पर मतून, उनकी भी मगफिरत फरमा दे अल्लाह मेरे मालिक। और जहाँ पे जहाँ भी हम जाओ परवरदिगार हमें बाबरकत कर, पहले हमारे लिए, हमारे औलाद के लिए, अहलोयाल के लिए, फिर हम जिसके पास जाए उनके लिए, और सारे इस्लाम के लिए। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार आमीन। अल्लाहु अकबर। देखे हवा, हवा के साथ खुशी, पानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंगा तुम जा
रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर करो जरा। अब हुई मेरी वालदा की जो है ना, जो भी है ना, सबसे जितने जितने ताज़े खबर हैं सबके बांध दो, सबके अल्लाह की रहमत हो जाने दो, सबके लिए है ये दुआ, समझे ना, सारे खबरों के लिए है, मेरी वालदा जहाँ भी मफ़्तून हो उनके लिए है ये मफ़्तून। जा बेटे भागो जल्दी लेके, वहाँ जाओ उन्हों यहाँ से जाली में से बोलो बड़े मियाँ देते, जाओ जल्दी ना लेके जाओ, समझे ना, चलो आओ जल्दी लेके आओ, ऊपर उठाओ जरा, बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। और वहां पे बॉटल में है तो ला लो, और एक बार खा ले, देखो बॉटल, जाओ जल्दी जाओ तेज, भागो जल्दी, जाओ अब्दुल रह जाओ, जरा ऊपर उठो, हां देखो ऐसा है, कोई हर अम्मी के वास्ते कसम है उस पाके जात की, सिर्फ अम्मी के लिए मखसूस छींटे आए हैं बारिश के, जब मैं इनको घर पे लेकर गया हूँ, उसके बाद जो वहाँ पहुँचे तो पूरे शैताना पूरे आ गए वहाँ पे, वहाँ पे बारिश नहीं आई, कल से अब तक कहीं बारिश नहीं है, बदल थे सो भी चले गए। अब जो दुआ मुकम्मिल होने के बाद, नमाज मुकम्मिल होने के बाद, पहले जो दुआ में रिपीट करा उसी के साथ अल्लाह हू अकबर अज़ान हो गई, तो समझो कि कबूल हुई इंशाल्लाह। और दूसरा, जब मैं दुआएँ कम्प्लीट करा नमाज की, तो मैं कहा ठंडी हवा का झोंका देखे महसूस करें, ये खुशी की बात है, ये रूहानी वाले असर वाले समझ जाते हैं, उनको भिनक लग जाती है, समझे। मेरे वालदा की रूह को भी अल्लाह ताला सुना दिखा, मेरे वालदा को भी, और मेरे सारे जो जो हैं मोमिनीन को, कि मेरी नीयत क्या है। ब्लॉग बोल रहे हैं कि इन्हों एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपनी अम्मा का, मेरा नाम ही एडवर्टाइज़ करने वाला है, एडवर्टाइज़ करना मतलब हम्द करना, तारीफ़ करना कोई चीज़ की, एडवर्टाइज़ देना, बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला अहमद, मगर हम्द किसकी, अल्लाह की। अम्मा को भी यूज़ करना, मैं ख़ुद यूज़ होना, मेरी आल औलाद यूज़ होना, मैं पूरे होना बोल के सारे बच्चों को भी हूँ एक साथ लेके जाता हूँ, लोग देख के एडवर्टाइज़ होता, ये क्या तो किस्सा है। अल्लाह अकबर, अलग अलग किस्म के गवाहियाँ हैं, देखो, यानी अल्लाह का रसूल मैं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं किसी भी किस्म का, मालूम है ना, ये अल्लाह का बड़ा करिश्मा है। बेटा हो सके तो दो तुम बोलोगा तो ला रहे हैं, जल्दी भिजा दो, और जितने बॉटल हो सके ला लो, पानी ले लेके जाओ, बॉटल पड़े हुए तो ये बॉटल उठा के दे दो, बेटा फेंक दो, ये भी इसको फूको फूको फुर फक मारो, हेलो फूक मारो, भर के मारो फूक, दे दो उधर, चलो आज के ज़माने के घड़े है ये, जाओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, जल्दी लेके आओ, दो मिनट में। अल्लाह मेरी वालदा के लिए, परवरदिगार आपसे जो दुआ की थी बारिश के लिए आपने दिए, ख़सम है मालिक, जब मेरी वालदा मेरे साथ रही हैं दिए, मैं इस जगह पर अम्मी की तदफीन नहीं चाहता था, मुझे धोखा दिया गया, और मैं जानता था धोखा दिया जाएगा, फिर भी मैं इरादा कर लिया कि वक्त आने के बाद इस जगह पर से अगर अम्मी के मेरे कुछ हड्डियां भी बरकरार रहेंगे तो उसको लेके आके मैं वहीं पर तदफीन कर दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इरादा है, अगर अल्लाह ताला समझे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बोर्ड ऐसा लिख के लगा के पूरी सारी हिस्ट्री बयान करना चाहता था सबूतों के साथ, फिर से बड़ा, तो इसके लिए अपनी जगह चाहिए, इसके लिए अपना इलाका होना, अपनी मर्ज़ी चलना, तो वो तो मैं पूरी तैयारी कर लूँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो वो भी करूँगा जो इरादा किया हूँ। और मेरे रिश्तेदार समझ रहे हैं मेरी तकजीब करके कि बहुत बड़ा नेक अमल कर रहे हैं, जबकि वो बदतरीन अमल कर रहे हैं। मेरी वालदा का चेहरा पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तुमको बताऊँगा फैक्ट, तुम बोलना ये क्या अजीब सी दास्तान है। और बारिश के छींटे इतने आए हैं, लगातार आते रहे हैं, यहाँ से जब मैं बीबी नगर तक पहुँचा, हाँ कल नहीं परसों, टाइमिंग 11:30 के बाद से लेके तकरीबन 1:30 के दरमियान
ये क्योंकि उसी लिए मैं दुआ करा था। चलो हेलो, मैं दुआ करता हूँ मेरे वाल्ला के लिए। हेलो चलो बेटा, अंकल को दे दो पूरा बॉटल, एक पानी का ले लो। لا میرے کو ایک دو میں کو جانا چاہتا ہوں اپنے میں شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کر کے ڈال رہا ہوں کہ یہی یہی میرے والدہ کی خبر ہے اللہ لا الہ الا هو بابا کامل پیارا پانی اللہ میری ماں بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اللہ آپ اس کو راحت بخشیے زمین میں جگہ دیجیے اور پروردگار جو میں نے دعا کی ہے آپ جانتے ہیں اگر دوسرے جنم کی بات ہے تو پروردگار آپ کی مرضی ہے میں نے دعا کی ہے اور دوسرے جنم کا معاملہ بھی ظاہر کر دیجئے سب اوپر اٹھا بیٹا ذرا اور اوپر ذرا اس میں سے نکالو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صل لے کے لو پانی لے کے لو ہیلو پانی لے کے لو ادھر لو جا جا لے لو بابا بابا کے لو لے کے تم یہ ادھر دے میرے کو ادھر بھی ڈال دو تھوڑا بازو بھی ڈال دو تھوڑا ادھر بھی ڈال دو پھیلا دو پورا 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 پھیلا دو جہاں بھی امی کی خبر ہو اور دوسرے ساتھیوں کی پڑوسیوں کی سب کو ہے یہ ہماری دعائیں ہیں ہم خدا نہیں ہم خدا کے بندے ہیں ہمارے عمل سے اللہ خوش ہو کے رحمت کرتا ہے انشاءاللہ میں خود خبر آ کے ڈھونڈ لیا ہوں بتاتے آتے ہو تو وہاں سے دیکھ لیا میں خود یہی ہونا چاہیے اچھا ہاں سمجھے نا یہی ہونا چاہیے سمجھے نا اللہ کریم کوئی بھی ہو اقتدار میں ہم یہاں پر ڈھر کے سب کے لیے پڑھیں اللہ اکبر اللہم صل علی آ بچوں پورے پانی لے کے آؤ ڈالو تم لوگ ابھی جلدی آؤ جلدی لے آؤ پانی لے کے آؤ جاؤ جاؤ پانی لاؤ آؤ بچوں ادھر آؤ چھوٹو آؤ بچے آؤ پانی ڈالو اب اب ہوئی ہے امی کی نماز جنازہ حقیقت میں اور جو لوگ کر کے گئے وہ سب کفر گناہ عظیم کیونکہ رشتے دار تو میرے جانتے تھے نا اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو پڑھے نماز جنازہ وغیرہ وہ بھی ثواب مل جائیں گا انشاءاللہ دوسرا لیکن ان لوگوں کے کسی کی قبول نہیں ہوئی شریعت کے حساب سے کیونکہ اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح کی تکذیب ہوتی رہی ہے جی ابھی پکڑنا پانی دے رہا نا پہلے آؤ بیٹے جلدی لو پانی ڈالو بسم اللہ اللہ ڈالو 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 ٹھہرو ٹھہرو چلو ڈالو اللہ عظیم کے بھی والدہ کو پروردگار جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر اللہ اور سارے جس جس کے میں لیے دعا کیا ہوں سب اللہ کو علم ہے تحسین کے والدین کو بھی سمرانہ ان کے والدین کو بھی میرے والد صاحب کو بھی سارے مومنین کے لیے آفرین کی امی کے لیے اگر وہ مومن ہے تو اگر وہ ایمان والی ہیں تو اف شی از اے بلیور اسلامک اوکے آؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا بیٹا ڈالو ادھر سے لا کے ڈالو ادھر سے لا کے ڈالو آؤ آؤ چلو آؤ ڈالو بیٹا انہیں ڈالتا کرتے عظیم انہیں ڈالتا کرتے آؤ اللہ قسم ہے تیری پروردگار تو سچا ہے میرے آقا
परवरदिगार तू मौजूदा मेरी वालदा को जिंदा करके बताया। लब्बैक या अल्लाह लब्बैक। हम नमाज के लिए हाजिर अल्लाह। कौन सी भी रहो कहीं भी हों दो वालदा की हमारा अमल मट्टी पे जा रहा तो क्या आप नहीं नहीं वैसा नहीं सफ़े डाल दो भाई डर जाए ठहरो ठहरो पानी डाल दो पकड़ डाल दो डालो पूरे बच्चे डालो हटो ये दुआएं हैं मसीहा के सारे खबर वालों के लिए कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे उनके गुनाहों को बख्श दे चाहे वो कैसे भी हो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह के वास्ते कम से कम जिसने अल्लाह उसके रसूल की तकजीब ना की हो समझे ये गुनाह अजीम है जो कोई अल्लाह उसके रसूल की तकजीब के अलावा तकरीबन जो शिर्क ना किया हो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह ये वादा है अल्लाह का बशर हाँ चलिए बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर डाले पूरे पानी लैतुल्लाह डाले डाले नमाज जनाजा हो गई पानी डाले चलो नहीं भी डाले तो बड़े दुआ है बहुत बड़ा पानी चलो ले लो डब्बे ले लो बेटे खबर है मट्ठी कीड़े सो बैठते ये खबर आइडेंटिफाई करने के वास्ते सब पूरा लेके पोजीशन रखता हूँ मैं सुने कल के दिन खबर हाँ लिख लिया ऊपर देख लेके चलो जी अस्सलाम वालेकुम या अहले खबूर अल्लाह शाफी अल्लाह काफी आओ बेटा चप्पल कहाँ है पूरे डब्बा ले चलो बेटा हेलो पकड़ो समझो अल्लाह करीम वहुवा समीउन अलीम समीउल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाह मेरे मालिक मुझे कामयाब कर मेरे साथ मोमिनों को और मेरे साथ जो हैं परवरदिगार अजीम अल्लाह ताला तुमको शिर्क से पाक रखे महफूज रखे और अगर इसमें कोई शिर्क की चीज़ है तो अल्लाह महफूज रखे ये नहीं रखना जायज़ नहीं है क्योंकि दुआ किसी पे लिख के आप गले में डाल लो या आयतुल कुर्सी लेके डाल लो ये अकीदे जो है ना कुफराना है बच के रहो इससे तुम्हारे को अल्लाह ताला जो है तुम थोड़ी देर के निकाल लो वो जेब में डाल लो डरो मत घबराओ मत अल्लाह का रसूल से बढ़ के कोई चीज़ नहीं डालो नहीं बोला ना आराम से निकालो डियर कोई मसला इससे पहले मैं निकाला हूँ मैं तुम्हारे पास भूले हुए हैं याद है देखो हर हाल में देखो सब कुछ होने का देखो कभी है मेरे पास अल्लाह अल्लाह शफा देने वाला काफ़ी है ये चीज़ें जो है ना अल्लाह से तोड़ देती भाई मेरे क्योंकि देखो